मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। सो गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए आप भी, और मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर जाता हूँ, पसीना पसीना हो गया सब कुछ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम जेरी एंड आई एम निकी। सो आज हम जाने वाले एक छोटी सी ट्रिप पर। ट्रिप पर जाने से पहले मैं बता दूं आपको, आज हम दोनों तैयार हैं। तैयार होने का रीजन ये है कि काफी दिन बाद हमें तैयार होने को मिला, क्योंकि लॉकडाउन में हम कहीं भी नहीं गए, घर पर थे और काफी ज्यादा बोर हो गए। सो मैंने और निकी ने सोचा कि एक छोटी सी ट्रिप पर चलते हैं, और एक छोटा सा काम है वो भी हो जाएगा। सो आज हम यहाँ से राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है सीकर, वहां कार ड्राइविंग करके जा रहे हैं। सो मजा आने वाला बहुत ज्यादा, यहाँ से अराउंड 91 किलोमीटर अप डाउन हो जाएगा, 182 किलोमीटर, तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल मजा आएगा। और जो आप मेरा ये नया रूप देख रहे हैं, ये सब हुआ है हमारे प्यारे भैया जेरी की वजह से। और हाँ, ये बात मैं आपको बताना भूल गया, निक्की का हेयर कट हो गया है, और हेयर कट पहले निक्की के बड़े बड़े हेयर थे यहाँ तक के, उसके बाद में निक्की के बाल मैंने इसलिए कट कर दिए कि मारी छोर यहाँ के छोरों से कम है। अभी निक्की करेगी रेसलिंग करने के लिए तैयार है, क्या आप बोलती है निक्की? निक्की लग बहुत अच्छी रही है मुझे, बड़े बालों से अच्छी छोटे बालों में लग रही है, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। अब जल्दी से हम ट्रिप स्टार्ट करते हैं। और मैंने इसी लॉकडाउन के अंदर कार ड्राइव करना सीखा है, तो मैंने अभी तक कोई बड़ी ट्रिप नहीं की है, मतलब अकेले कभी बड़ी ट्रिप नहीं की, इसलिए मैं और निक्की दोनों इस ट्रिप को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज की राइड को, कम ऑन निक्की, लेट्स गो। सो अभी वक्त हुआ है 8:23 इन द मॉर्निंग, और हम हमारी ट्रिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। एक बंदे को पिक करना, फिर वहां से हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। तो वहां से चलने के बाद हमने तीसरा बंदे से पिक करने वाले थे, वो मनीष, तो यहाँ पर मनीष है पीछे। मनीष मास्क तो हटा ले एक बार। तो यहाँ पर मनीष, हमारा सफर शुरू हो गया। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, और बारिश की वजह से मतलब सामने रोड पे फॉग सा हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ज्यादा तेज बारिश है। हमने एक दो मिनट के लिए रोक लिए साइड में, अभी चलने वाले, सोचा आप लोगों से बात कर ले थोड़े। और हम सीकर जाने का रीजन ये था कि मनीष उसकी कोचिंग स्टार्ट हो गई है फिर से, सो उसको कोचिंग में जाना है, और मैं और निकी उसे छोड़ने के लिए सीकर जा रहे हैं। तो बारिश ने सब कुछ बड़ा सही कर दिया, पहले बहुत ज्यादा गर्मी थी, उसके बाद में आंधी आई, आंधी के बाद में बारिश आई। वेदर बहुत ज्यादा लाजवाब है, और ड्राइविंग करके भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस लॉकडाउन के अंदर ही मैंने कार ड्राइविंग करना सीखा था, और ये मेरी पहली ट्रिप है जिसमें मैं सबसे पहली बार इतना लंबे राइड पर जा रहा हूँ। तो हम लोगों ने सोचा था कि जब हम यहाँ से सीकर जाएंगे तो झुंझुनू सीकर के बीच में एक बहुत फेमस टेम्पल है, घोड़ीवारा टेम्पल बोलते हैं उसको, वहां पर हनुमान जी वगैरह सब भगवानों की मूर्तियां हैं। सो इस जगह पर आप देख रहे हो पीछे, इस टेंपल की बहुत ज्यादा मान्यता, जब भी लोग यहाँ से गाड़ी लेकर, ट्रक लेकर या कैसे भी गुजरते हैं तो इस मंदिर के सामने जरूर रुकते हैं सभी लोग। सो हमने भी सोचा था कि हम अंदर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जाकर पता चला कि ये मंदिर लॉकडाउन के बाद से अभी तक बंद है। सो हम लोग नहीं जा पाए, बट हम लोग बाहर गए और वापस अंदर आ गए। बहुत तेज बारिश हो रही है, हर जगह पर बारिश ही बारिश है, बहुत मजा आ रहा है। अब ज्यादा अंदर आने लग गई है बारिश, तो जल्दी से है, और बारिश के बाद तो और ज्यादा मजा आ रहा है, काफी ज्यादा बूंदाबांदी हो रही है, और बारिश का भी ऐसा सीन है, कुछ दूर तक बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है, फिर बारिश हो रही है फिर रुक जा रही है। कई कई ऐसी जगह पर आती है बीच में जहां पर बिल्कुल भी बारिश नहीं है। अराउंड यहाँ से 60 या 70 किलोमीटर और है सीकर, तो अब चलते हैं जल्दी से और फिर बात करेंगे वहीं। आर यू ओके? निक्की को लगा ये भूख, उसका खाने का मन कर रहा है बाहर का फास्ट फूड, लेकिन वो उसके हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना एंड ऑल्सो मना कर दिया, तो पीछे चुपचाप ऐसे रूठ कर बैठ गई है। जल्दी वहां पहुंच कर देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मिला तो जरूर खिलाएंगे, ठीक है? मन दीत करावो जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखावो जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी, हर चले उन भंगा दी मैं कह लगे मर बुड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा भी खुशी रे झुम 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 दा झुम ओ मर बुड़े में जागी दो कणी रे चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा। जैसे ही हम लोग मनीष के रूम में घुसे और वहाँ पर उसका रूममेट है, वो निक्की को देखकर बोलता है कि भाई इधर आना एक बार मतलब निक्की लाइक दिस, हाँ भाई
गाइज हम लोग मनीष के यहाँ पर पहुँच गए हैं, उसको यहाँ पर इस खूबसूरत सा घर है इसके अंदर छोड़ दिया है यहाँ पर इसके पीजी में, और अब हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे है। और यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं थी जब हम लोग आए यहाँ पर, बहुत ज़्यादा धूप थी। अब धूप चली गई हल्की हल्की, मतलब ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है, बट वेदर अब ठीक हो गया है हमारे आते ही, मतलब हम लोग वहाँ से बारिश इधर लेकर आ गए हैं। सो ये मनीष का प्यारा सा घर लगा मुझे, यहाँ की लोकेशन बड़ी अच्छी लगी और जहाँ पर ये रहता है यहाँ पर इतना खूबसूरत घर लगाना मुझे देख कर दिल खुश हो गया कि मनीष वाह यार कितनी सही जगह पर रहता है। सामने पूरी जगह है यहाँ पर वर्कआउट वगैरह करने के लिए और इंसान यहाँ पर बैठ कर कुछ भी कर सकता है। तो निकी आज जो मैंने पहली बार इतना लंबा ड्राइव किया और निकी मेरे साथ पहली बार बैठी, तो निकी तुझे बैठकर कैसा लगा, मतलब क्या लगा कि तू सेफ है या अनसेफ फील कर रही थी अपने साथ? डर तो नहीं लगा, लेकिन वैसे भी हमें कुछ एंजॉय करने के लिए नहीं मिला क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो कहीं हम रुक जाते तो वैसा भी नहीं था, इसलिए ठीक ठाक था। अब हम जाएंगे क्योंकि बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे, तो सीकर के किसी मॉल वॉल में जाके अच्छे से शॉपिंग करेंगे। देखते हैं अगर मॉल वॉल या कुछ खुला हुआ तो हम जरूर घूमने के लिए जाएंगे, अगर कोरोना वोरोना का नहीं हुआ तो, क्योंकि सीकर में बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं कोरोना वगैरह के, तो मेरा तो मन नहीं है, बट निक्की मेरे को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है कि चलो ना भैया कहीं चलते हैं अच्छी जगह पर, किसी कैफे में चलते हैं या किसी मॉल में चलते हैं घूमने के लिए। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या प्लान बनता है और क्या प्लान नहीं बनता। सो अभी मैं निक्की को चांस दे रहा हूँ कि वो कितना अच्छे से व्लॉगिंग कर सकती है। हे गाइस, आप सब तो मुझे जानते ही, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आज से मैं भैया के चैनल की होस्ट भी हूँ एंड आप सबकी दोस्त भी हूँ। सो अभी वक्त हो चुका है 1 PM एंड हम पहुँच चुके हैं भैया के रूम पर। ये है भैया की रूम की सेकंड बालकनी, हम अभी यहाँ से चलने वाले हैं, हमें पहुँचे कई देर हो चुकी है। सो अभी चलते हैं यहाँ से, अब हम कहीं मॉल वॉल में जाके थोड़ा शॉपिंग करेंगे अगर मॉल खुला होगा तो, क्योंकि कोरोना की वजह से ना भी हो सकता है। सो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली एक प्यारे से सफर के बाद हम लोग वापस सीकर से चल पड़े और हम अभी डेस्टिनेशन के बीच में पहुंच गए, अब हम घर जा रहे हैं वापस। सीकर से चलने के बाद हमने एक दो जगह पर और ब्रेक लिया छोटा मोटा, और उसके बाद में हमने वहाँ पर वीडियो शूट नहीं किया। फिर मनीष के घर पर वापस गए, उसका थोड़ा सामान था वो वहाँ पर देकर फिर हम लोग यहाँ पर आ गए। अभी इतना ज़्यादा गर्म हो गया सब कुछ की समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा धूप है और इतनी देर के अंदर वापस पसीना आ गया, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पर। और उस तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, यहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पूरी सूखी ज़मीन है और वहाँ पर तो बारिश ने कहर ढा दिया। पहले क्या था, पहले इस जंगल के अंदर क्या दो आपको नीलगाय देखने को मिलती थी बहुत मुश्किल से, और अभी आप देख सकते हो पूरा का पूरा झुंड वहां पर उस जगह पर घूम रहा है। लेकिन आजकल आपको इसी जंगल के अंदर 25 या 30 आपको आराम से दिख जाएंगे अगर आप यहां पर आओगे तो, मतलब हर जगह। और वो आजकल डरती भी नहीं है, अभी मैं उनके पास में गया तो डर नहीं रही, मतलब पहले दूर से ही कुछ बोल देता था इंसान तो वो भाग जाती थी डर के, आजकल तो उनके पास चले जाओ तो भी डरती नहीं है। इसका बहुत ज्यादा तरीके से इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, आप देख रहे हो यहाँ पर डस्ट डाल देते हैं, यहाँ पर मरे हुए जानवर होते हैं उनको फेंक देते हैं यहाँ पर खुले में, इससे बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। आप इस जगह देख रहे हो यहाँ पर मेडिकल की बहुत सारी टैबलेट्स वगैरह या प्लास्टिक गिरा हुआ है, और इस तरफ आप मेरे बिल्कुल यहाँ पर देखोगे यहाँ पर बहुत सारे जो घर के जो पालतू जानवर होते हैं गाय भैंस वो मर जाते हैं, उनको यहाँ पर खुले में फेंक देते हैं, उनको जमीन में गड्ढा खोद कर नहीं दबाते हैं। तो अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो यहाँ पर आस पास में तो प्लीज इसको थोड़ा चेंज करो, मैं खुद चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत जल्दी बदलाव हो या कोई ऐसा रूल बन जाए कि यहाँ पर लोग आकर ना डालें। तो प्लीज गाइज अगर आप कहीं भी रहते हो किसी भी जगह रहते हो और आपके पास में कोई जंगल है या फिर कोई सरकारी जगह या खूबसूरत नेचर है तो उसको बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाओ। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं कि यहां पर कितने सारे जानवरों को फेंक रखा है और कितना सारा डस्ट डालते हैं यहां पर, हर टाइप का यहां पर कूड़ा करकट घर का बाहर का, शादी होती है तो जितना भी प्लास्टिक होता है वो यहां पर फेंक जाते हैं खुले के अंदर, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर उस जगह पर और कुछ उस जगह पर आगे की तरफ सब जगह पर बहुत सारे मरे हुए जानवरों को दबा रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस चीज़ के ऊपर। सो गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए आप भी, और मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर जाता हूँ, पसीना पसीना हो गया सब कुछ।
और सामने आ गया हमारा खूबसूरत सा घर और हम पहुंच गए हैं हमारे घर पे सही सलामत। हम लोग घर पहुंच गए थे आराम से। घर पहुंचने के बाद मैंने थोड़ा रेस्ट किया और सोचा कि अब व्लॉग को एंड कर दूं। शाम हो गई, अराउंड 7 PM हो गए हैं। सो, बात करते कार ड्राइविंग की, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। मैंने पहली बार इतना लंबा लेकर गया और अच्छे से वापस लेकर आ गया। और मैंने पहले कभी कार ड्राइविंग नहीं सीखी और नहीं सीखने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में रहा था और हॉस्टल में रहने की वजह से कभी मैं घर पर नहीं आ पाता था ज़्यादा दिन। और जब छुट्टियां वगैरह हॉलीडेज होते थे तो मैं घर में कुछ दिन रुकता था, फिर बुआ के घर या मामा के घर चला जाता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन के अंदर 4 to 5 months मैं घर पर रहा, तो बड़े अच्छे से मैंने कार ड्राइविंग सीखी। और मैंने इस लॉकडाउन में काफ़ी नई चीज़ें सीखने की कोशिश की। हाँ, कुछ चीज़ें नहीं सीख पाया, लेकिन कार ड्राइविंग मैंने शायद अच्छे से सीख ली है। सो बहुत मज़ा आया और ये शायद मेरे लिए बहुत बेहतर चीज़ है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करके। सो आज का दिन बड़ा प्यारा रहा, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस, इसलिए यहाँ पर मॉल्स, कैफे वगैरह सब कुछ बंद है, इसलिए हम कहीं जा भी नहीं पाए। और सीकर के अंदर एक बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है, हर्ष पहाड़ के नाम से, उसको भी हम एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ थी सीकर में कि वो लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा रहता है वहाँ पर हर साल जब जब बारिश होती है, तो इसलिए हम लोग इतना ऊपर भी नहीं गए। और मैं इतना अच्छा ड्राइवर भी नहीं हूँ अभी, तो पहाड़ पर चलाना अभी अपने बस की बात नहीं है, अभी सीखा नहीं है, कभी ट्राई नहीं किया, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सो हम लोग वापस आ गए। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो यहाँ तक देख लिया तो व्लॉग को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए। बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। टाटा एंड टेक केयर। पंगा।